आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो ब्रेड सैंडविच। मैं डाल रही हूँ कढ़ाई में थोड़ा सा तेल। तेल को गर्म होते ही मैं डाल रही हूँ अभी जीरा एक चम्मच और थोड़ा सा करी पत्ता। दोनों को हमें थोड़ी देर के लिए भून लेना है। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ एक हरी मिर्ची कटी हुई। गैस को हमें धीमी आँच पे रखना है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, इनको भी हमें अच्छे से मिला लेना है। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मैश किया हुआ आलू। मैंने आलू को पहले से ही बॉईल करके मैश कर लिया था। इनको हम अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे। नमक डालना है स्वाद के अनुसार और आलू को हमें नमक के साथ अच्छे से मिला लेना है। देखिए हमारा आलू की स्टफिंग एकदम तैयार है। मैंने यहाँ पे दो ब्रेड के स्लाइस लिया है, तो उसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ टमाटो सॉस। टमाटो सॉस को हमें अच्छे से फैला लेना है। दोनों ब्रेड के ऊपर ही हमें सॉस लगा देना है अच्छे से। देखिए सॉस को अच्छे से मैंने लगा दिया है यहाँ ब्रेड के ऊपर। अब हम तैयार किया हुआ आलू की स्टफिंग डालेंगे। इसे हम अच्छे से फैला लेंगे चम्मच की मदद से। ब्रेड को हमें इस तरीके से जोड़ देना है। तवे पे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल, आप यह बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से फैला देना है तवे के ऊपर से। और तेल को हम थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल को थोड़ा गर्म होते ही हम सैंडविच को अच्छे से सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 सैंडविच तैयार कर लिया है। अभी हम इन्हें दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे अच्छे से। पलट दें इनको। देखिए सैंडविच हमारा एकदम तैयार है। निकाल लेते हैं इन्हें एक प्लेट में, बीच में से काट ले ऐसे। आप चाहे तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। देखिए पोटैटो ब्रेड सैंडविच एकदम तैयार है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।